एक्सीडेंट्स एंड देयर इफेक्ट्स the topic is very essential for particular ऑर्गनाइजेशनल occupational health and safety regarding cost of accidents overview. व्यू यूनाइट स्टेट्स ऑफ अमेरिका में इन लोगों ने कैलकुलेशन की कि अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो उसकी कॉस्ट कैलकुलेट कैसे की जा सकती है और इसके हवाले से जो एक्सीडेंट्स थे वो मेन ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर सबसे ज़्यादा कॉस्ट इंकड करने का बायस बनते थे एक्सीडेंट्स आर द फोर्थ लीडिंग काजिज ऑफ द डेथ इन यूनाइट स्टेट्स ऑफ अमेरिका एक्सीडेंट सिर्फ कास्ट का ही इजाफा का बायस नहीं है बल्कि डेथ का भी बायस बन रहे थे आफ्टर हार्ट अटैक डिजीज कैंसर एंड स्ट्रोक हार्ट अटैक आपको मालूम है कि ये किसी वक़्त भी हो सकता है और कैंसर रिलेटेड इशूज़ पैदा हो सकते हैं और स्ट्रोक्स पैदा हो सकते हैं दिस रैंकिंग इज़ बेस्ड ऑन ऑल टाइप्स ऑफ एक्सीडेंट्स इंक्लूडिंग मोटर वहीकल्स एक्सीडेंट्स फायर फॉल न्यूट्रल एक्सेट्रा

जो नेचुरल डिजास्टर आ जाती है मुलक के अंदर अर्थक्वेक आ गया या कोई और किसी किस्म का कोई स्टोक आ गया उसको हम लोगों ने कवर नहीं करना हम लोगों ने ऑर्गेनाइजेशनल इम्पैक्ट की बात करनी है और जिसमें जो कास्ट ऑफ एक्सीडेंट्स ओवर व्यू है उसके हम एग्जाम्पल लेते हैं नेचुरल डिजास्टर्स इन यूनाइटेड स्टेट्स काज फ्यूअर दैन हंड्रेड डेथ्स पर ईयर ऑन एवरेज वर्क प्लेस एक्सीडेंट्स ऑन अदर हैंड काज मोर दैन टेन थाउजेंड डेथ्स every year in united states of america if we see the comparison between natural disasters or the organizational developed disasters or any accidents which occur in organizations so it is 10000 and the natural disasters are 100 how can we compare The show is 1 into 100 अगर एक शख्स की डेथ हो रही है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नेचुरल किसी वजह से तो 100 हंड्रेड जो हैं वो फोर्थ हो रहे हैं आर्गनाइजेशन को सही तरीके से मैनेज ना करने की वजह से तो यहाँ से भी इस टॉपिक की जस्टिफिकेशन मिलती है हमें कि आर्गनाइजेशन के अंदर अगर इन्वामेंट को कंट्रोल कर लिया जाए तो आर्गेनाइजेशन के अंदर चीज़ें ज़्यादा बेटर वे में हो सकती हैं और एम्प्लॉय की जो मोर्टैलिटी रेट है वो कम किया जा सकता है इसमें जो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है द ओवरऑल कास्ट ऑफ एक्सीडेंट इन यूनाइटेड स्टेट्स इज अप्रॉक्सीमेटली वन फिफ्टी डॉलर बिलियन फ्टी डॉलर बिलियन इसका मतलब यह है कि वन फिफ्टी बिलियन डॉलर अप्रोक्सीमेटली एनुअली हमें कॉस्ट बियर करनी पड़ रही है एक्सीडेंट्स की मद के अंदर दीज कॉस्ट इंक्लूड सच फैक्टर एज लास्ट वेजिस मेडिकल एक्सपेंसिस इंश्योरेंस एडमिनिस्ट्रेशन फायर रिलेटेड लूज मोटर व्हीकल प्रॉपर्टी डैमेज एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट ये वो कास्ट है जो कि आर्गनाइजेशन के अंदर वन फिफ्टी बिलियन ऑर्गेनाइजेशन सफ़र कर रही हैं यू एस ए के अंदर अब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ वॉलीम का वॉलीम भी ज़्यादा है जी डी पी ग्रोथ भी ज़्यादा है जी डी पी भी ज़्यादा है इंफ्रास्ट्रक्चर भी बेटर है एज़ कम्पेयर टू अंडर डिवेल्पिंग कंट्रीज अब ये क्योंकि लिटरेचर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का है तो उन्होंने अपने हवाले से एग्जाम्पल दी हुई है आप इनको पाकिस्तानी हवाले से अंडर डिवल्प कंट्री के हवाले से भी देख सकते हैं अब इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि कास्ट इंकड होने की कई वजूहत हैं जिनमें से अहम वजह आर्गेनाइजेशन के अंदर जो एक्सीडेंट्स एक्टर हो जाते हैं या इम्प्लॉइज़ की हेल्थ एंड सेफ्टी इशूज़ हैं वो मेजर काजेज़ हैं अगर इम्प्लाई के आर्गेनाइजेशन के अंदर वर्क हेल्थ बैलेंस होगा जिसको लाइफ वर्क हेल्थ बैलेंस भी कहते हैं वर्क लाइफ बैलेंस भी कहते हैं तो वहाँ पर आर्गेनाइजेशन के अंदर योर एम्प्लॉयज़ विल बी मोर हेल्दी इफ़ योर एम्प्लॉज़ विल बी मोर हेल्दी दैन ऑटोमेटिकली दे परफॉर्म इन अ बेटर वे इन योर ऑर्गेनाइजेशन एज कम्पेयर टू अदर आर्गनाइजेश कास्ट ऑफ एक्सीडेंट्स हेयर अकॉर्डिंग टू देयर पर्टिकुलर अमाउंट मोटर व्हीकल एक्सीडेंट्स सेवेंटी टू डॉलर दिस परटिकुलर फिगर इज गिवन इन पर्टिकुलर मिलियन वर्क प्लेस एक्सीडेंट्स फोर्टी एट होम एक्सीडेंट्स एटीन पब्लिक एक्सीडेंट्स ट्वेल्व ये जो फिगर आपको दिया गया है ये डेटा टू थाउजेंड टेन के हवाले से है क्योंकि हमारे पिछली स्ल हमने देखा था

अब इन सब एग्जांपल्स का जो पादली मकसद है वो ये है कि इन चीज़ों की वजह से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में मुख्तफ किस्म की डेथ वाक़ हुई हैं लेकिन इन सब में से हमने किन चीज़ों को देखना है जो कि किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अक्ल हुई हैं जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है ट्रांसपोर्ट एक्सीडेंट्स अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन का बिजनेस ट्रांसपोर्ट का है और वो एक्सीडेंट हो जाता है तो ये ऑर्गेनाइजेशन का फेलियर है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सेफ्टी मेजर क्यों नहीं अडॉप्ट किए गए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो तमाम मैकेनिज्म डेवलप क्यों नहीं गया जिसकी वजह से वो जो एक्सीडेंट है उनसे बचा जा सके अगर ऑर्गेनाइजेशन कहती हैं कि जब आप लोग ट्रैवलिंग करें तो एक सेफ डिस्टेंस से ट्रैवलिंग करें क्या आपने वो डिस्टेंस मेंटेन रखा और उसके बाद में रिपोर्ट्स भी बनती हैं एक्सीडेंट्स की रिपोर्ट्स भी वो भी हम डिस्कस करेंगे लेकिन सबसे जो अहम चीज़ है वो ये है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंजरीज एक्सीडेंट्स होने की वजह से एम्प्लाइज की जो हेल्थ है उसका लॉस हो जाता है जो कि इ है जो कि अनबियरेबल है अब ये जो लाश है ये अनबीबल इसलिए है कि तो उसका कोई नैमुल बदल नहीं है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा पोलाइटली डिसेंट वे में लेजिस्लेशन की मदद से इंशोर किया जा सकता है एक्सीडेंटल डेथ इन यूनाइटेड स्टेट्स ये पिक्टोरियल इफेक्ट है जैसा कि यहाँ पे डेथ पर ईयर है 49% परसेंट मोटर वहीकल्स की वजह से फॉल्स की वजह से पॉइजनिंग की वजह से अगर आप इसको देखें तो ये इजीली यहाँ पे आपके लिए अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में दिया गया है मोटर व्हीकल एक्सीडेंट्स 47,000 पर ईयर 13,000 पर ईयर फॉल पॉइजनिंग 7,000 पर ईयर इसी तरह ये फिगर दिए गए हैं यहाँ पे इन सब को आप लोग मान्यूटली भी देख सकते हैं अब यहाँ पे जो फिगर मैंने आपको डी स्टूडेंट्स बयान की है उनका मकसद लिए ये था कि जो ऑर्गेनाइजेशन हैं बेसिकली अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन पॉइजन बना रही है तो वो पाइजन में डील कर रही है और उस पॉइजन की वजह से अगर कोई इंसानी जान चली जाती है हु इज ऑनस्बल दैट ऑर्गेनाइजेशन इज ऑनसेबल कि उस ऑर्गेनाइजेशन ने राइट right पर्सन को ही वो पॉइजन क्यों सेल नहीं किया या राइट right ऑर्गेनाइजेशन जो कि पॉइजन के रिलेटेड कोई प्रोडक्ट डेवलप कर रही है उसको सेल क्यों नहीं किया उस शख्स को क्यों सेल किया या उस फीमेल को क्यों सेल किया जो कि उसका मिस यूज़ कर रहे हैं इस चीज़ को इन्शोर करना ऑर्गेनाइजेशन की जिम्मेदारी है और उसके ऊपर अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि गवर्नमेंट ने लेजिस्लेशन क्यों नहीं की कि वो जो पाइजन है वो फ्रीली क्यों सेल किया जा रहा है तो ये जो हमारे मुख्तल पॉइंट्स थे उनमें से एक को मैंने एक्सप्लेन किया है इसी तरह जो फॉलिंग है फॉलिंग ड्रोनिंग जैसे कि फॉरन कंट्रीज़ में अगर आप लोग कहीं पर जाते हैं बीच पे तो वहाँ पर लाइफ बॉय लाइफ को सेव करने वाले लोग मौजूद हैं जो कि आपको ड्रोनिंग के हवाले से बचा लेते हैं अब ये इंश्योर किया उन्होंने कि अगर कोई बच्चा या कोई एडल्ट या कोई ओल्ड एज शख्स वहाँ पर पहुँच जाता है तो उसको कैसे लाइफ को सेव करना है तो इस इन किस्म के इकदाम से आप मुख्तल हवालों से लोगों की जान बचा सकते हैं एक्सीडेंट्स वर्सिस अदर काजिज़ ऑफ डेथ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का जो डेटा आपके साथ शेयर बेटा किया गया है इसमें जो एक्सीडेंट्स हैं वो ट्वेंटी सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड डेथ जो वाक़ हुई हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक्सीडेंट्स की वजह से हैं और ये जो फिगर है उसके आगे देखा जाए तो कैंसर की वजह से ट्वेंटी थाउजेंड थ्री हंड्रेड मोटर व्हीकल सिक्सटीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड और ये कंप्लीट कहाँ पे जाके हो रहा है फायर रिलेटेड इशूज़ जो कि नाइन हंड्रेड हैं अब इसको अगर हम लोग ओवरऑल देखें तो वो ये है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर जब कोई इंसिडेंट्स वाक़ हो जाता है तो उसके ऊपर प्रॉपर इंक्वायरी रिपोर्ट और इंक्वायरी रिपोर्ट की मदद से ये देखा जाता है कि कैसे उन चीज़ों को इंश्योर करना है कि नेक्स्ट टाइम वो एक्टिविटीज़ अकल ना हो ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो काजिज़ ऑफ डेथ हैं उनको मुकम्मल एंगल के साथ हर लिहाज से ख़त्म किया जाए स्टॉपेज लगा दिया जाए उसके ऊपर और उनको यह इंशोर किया जाए कि आर्गनाइजेशन के अंदर यह एक्टिविटी दोबारा पैदा ना हो